दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए 6 अप्रैल 2022 बुधवार की 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल 2022 बुधवार की 5 विभागों में बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इन फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, सुनहरा अवसर और बड़ा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी बड़ा अवसर है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की यानी के 6 अप्रैल 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है जल विभाग में। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग के साथ साथ में और भी अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, जैसे कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, मोटर व्हीकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मोटर वाहन रखरखाव विभाग, हाईवे डिपार्टमेंट, राजमार्ग विभाग, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग और भी अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट की जाए तो ये भर्ती निकली है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जनरल फोरमैन और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर 625 वैकेंसीज निकली है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से दिखाएंगे। बात अगर यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए 4 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 मई 2022 है। बात अगर रिटर्न एग्जाम की जाए तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की डेट 26 जून 2022 है, सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, और यहाँ पर जो पेपर सेकंड है उसके लिए 26 जून 2022 को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक इसकी डेट है। बात अगर सैलरी की जाए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 56,100 से 205,700 है लेवल 22 के अंतर्गत। अदर पोस्ट के लिए 37,700 से 138,500 है लेवल 20 के अंतर्गत। बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर एज लिमिट की जाए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जनरल फोरमैन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष आयु सीमा है। जो बाकी की पोस्ट है उनके लिए मैक्सिमम 32 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपये है, रिटर्न एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये है। SC ST PWD ESM और अदर कैंडिडेट्स को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। TNPSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट निकली है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 अप्रैल 2022 है। सैलरी लेवल 1, 2, 4 और 7 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10th पास, 12th पास और डिग्री पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की पोस्ट वाइज डिटेल आप नोटिफिकेशन से ही मैच कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 27, 30 और 35 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस UROBC कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये है, SC ST WH के लिए 750 है, PWD या वोमेन को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो।
न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। गार्गी कॉलेज .in.eh की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। बेसिल के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया या OT, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, कैशियर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, सीनियर मैकेनिक ACR एप्रिजिएशन की बात अगर यहाँ पर इसकी वैकेंसीज डिटेल की जाए तो टोटल यहाँ पर 86 वैकेंसीज इसके लिए यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अप्रैल 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, कैशियर और सीनियर मैकेनिक के लिए 23,550 है प्रति माह के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 33,450 है और लैब अटेंडेंट के लिए 19,900 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 12th पास, BSc डिग्री डिप्लोमा, 10th ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 वर्ष है, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए 25 से 35 वर्ष है, लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 27 वर्ष है, कैशियर के लिए 21 से 30 वर्ष है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 21 से 35 वर्ष है, सीनियर मैकेनिक के लिए भी 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC वोमेन EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस है। SC ST EWS PH कैंडिडेट के लिए ₹450 फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो। बात अगर सिलेक्शन डिटेल की जाए तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स और जॉब रिक्वायरमेंट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। भोपाल MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। basil.com.eh की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें DEIC मैनेजर, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की। 82 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 अप्रैल 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल की जाए तो DEIC मैनेजर के लिए ₹15,000 सैलरी है, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए ₹20,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो DEIC मैनेजर के लिए स्पेशल BEd और साथ में डिप्लोमा मेंटल रिटार्डेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या BSc इन स्पीच और हियरिंग स्पेशल BEd ऑडियोलॉजी एंड स्पीच से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। फीस आपको यहाँ पर भी जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। भोपाल MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। NHMMP.gov.in और SAMHS.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली हुई है वो है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है कांस्टेबल असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर और ड्राइवर ऑपरेटर की। यहाँ पर 487 वैकेंसी को बढ़ाकर अब 557 कर दिए गए हैं। 70 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती की डेट भी रीओपन हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 अप्रैल 2022 थी, लास्ट डेट 11 अप्रैल 2022 कर दी गई है। सैलरी 14,000 से 60,500 है प्रति माह के लिए। 8वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कांस्टेबल और ड्राइवर पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष है, असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर के लिए 20 से 24 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर भी जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET, ड्राइविंग टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है police.assam.gov.in और slprbassam.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 6 अप्रैल 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी।
अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।